कोमाराम भीम के नाम पर इसलिए रखा गया है जिले का नाम। क्या रहा इलाके के लिए योगदान? क्यों बन रही है इस गुमनाम स्वतंत्रता संग्रामी पर मूवी? क्या पैसा छापने की मशीन है पेट्रियोटिक मूवीज? आज हम ये बात नहीं करेंगे कि एसएस राजमौली ने आरआरआर मूवी बनाने का फैसला किया, लेकिन हम बात करेंगे आखिर ऐसा फैसला लिया क्यों और इनके फैसले पर गर्व होना चाहिए या नहीं। तो हम आपको बता दें, बेशक गर्व तो होना चाहिए, क्योंकि इस मूवी में इन्होंने दो ऐसे स्वतंत्रता संग्रामी के बारे में बताने का प्रयास किया है जिनका योगदान काफी अनभिज्ञ था, लेकिन उनके बारे में जानता कोई नहीं। उसी में से एक है कोमाराम भीम। सबसे पहले बता दें कि कोमाराम भीम का जन्म 22 अक्टूबर 1901 में आसिफाबाद जिले के तंकेपल्ली गांव में हुआ। उस समय ये क्षेत्र असफ जाही के नियंत्रण में था। जब कोमाराम भीम केवल 19 वर्ष के थे, तब उनके पिता को निजाम के अधिकारियों ने मार डाला, क्योंकि वो आदिवासियों के लिए लड़ रहे थे। पिता की मृत्यु के बाद कोमाराम भीम का परिवार केरी मेल्ला गांव चले गए। निजाम सरकार के जागीरदारी सिद्दीकी ने गोंड समूह पर ज्यादा कर डालकर उनकी जमीन छीन ली। सिद्दीकी ने कोमाराम भीम की जमीन भी छीन ली। कोमाराम भीम को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने गोंडू समूह के साथ मिलकर सिद्दीकी के खिलाफ संघर्ष किया और उसकी हत्या कर दी। निजाम की सरकार ने कोमाराम भीम को मारने की योजना बनाई। इस बात का पता लगते ही कोमाराम असम चले गए। वहां पर वो चाय और कॉफी के खेतों में काम करने लगे, मगर कोमाराम भीम हमेशा आदिवासियों के बारे में सोचते थे। 5 साल बाद वो सरदारपुर गांव को लौट आ गए और जोड़े घाट के क्षेत्रों में गोरिल्ला आर्मी को तैयार किया। जल जंगल जमीन नारे तले गोंडे जाति के यानी आदिवासियों को एकजुट किया और अपनी गोरिल्ला सेना बनाई। इस तरह कोमाराम 12 गांवों में शासन करने लगे थे। इसके बाद कोमाराम ने 12 गांवों का स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए निजाम को पत्र लिखा। कोमाराम ने 1 सितंबर 1940 को निजाम के साथ चर्चा करने के लिए हैदराबाद आए, लेकिन ये चर्चा असफल रही। निजाम की सेना ने कोमाराम भीम की सेना को नियंत्रित करने के लिए कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। निजाम सरकार ने कोमाराम भीम की सेना को नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश सेना की भी सहायता ली, मगर कोमाराम सेना सामने उनके कुछ भी नहीं चली। उर्दू पटेल नामक द्रोही ने कोमाराम भीम के साथ विश्वासघात किया और उनका ठिकाना बता दिया। 16 अक्टूबर 1940 आसिफाबाद के जोड़े घाट में कोमाराम भीम की सेना के साथ निजाम और ब्रिटिश की सेना के बीच लगातार 3 दिन तक लड़ाई जारी रही। इस संघर्ष में कोमाराम भीम मारे गए। तब से लेकर अब तक गोंड जाति यानी आदिवासियों का समूह कोमाराम भीम को आराध्य मानते हैं। तेलंगाना सरकार ने उनके सम्मान में आसिफाबाद जिले का नाम कोमाराम भीम आसिफाबाद किया है। तेलंगाना सरकार ने जेड़ा घाट को पर्यटन स्थान बनाने का फैसला किया है और ट्राइबल संग्रहालय बनाने की घोषणा की। इसी बलिदान को लोगों तक पहुंचाने का बेड़ा एसएस राजमौली ने उठाया है, जिसकी स्टार कास्ट में बॉलीवुड एक्टर्स अजय देवगन, आलिया भट्ट, साउथ से जूनियर एनटीआर और रामचरण होने वाले हैं।